अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सैयद नगर इलाके में मुसलसिल कचरे का अंबार पड़ने की वजह से मासूम बूढ़े और जवान बीमारी का शिकार बन रहे हैं। यहां पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये देखते हैं रिपोर्ट। नाजरीन, GHMC की जानिब से मुसलसिल लापरवाही देखने को मिल रही है। अहमदनगर डिवीजन सैयद नगर इलाके में कचरे के अंबार पड़े हुए हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। एक तरफ ऐसा वायरल जिससे बड़े बूढ़े और मासूम बीमारी का शिकार बन रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का कचरे की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। इसके जिम्मेदार कौन है? हमारा खोखला सिस्टम या वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी इस काम को पूरा करने की, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। ऐसा ही वाकया सैयद नगर में खालिद मसूद के क्लिनिक के बिल्कुल बाजू में देखने को मिला, जहां पर क्लिनिक में कई लोग बीमारी का शिकार होकर वहां पर इलाज के लिए आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनको बीमारी हो रही है ये कचरे की वजह से। खालिद मसूद इस क्लिनिक के डॉक्टर ने क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। इसके अलावा जितने यहां पर अतराफ लोग रहते हैं और जो हॉस्पिटल को आए थे, वो तमाम लोग क्राइम टुडे के जरिए ये सारे मसलों को रखा। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसले को हल किया जाएगा। अगर इसमें देरी होगी तो कई लोग की जान जा सकती है और कई लोग बीमार भी हो सकते हैं, और इसके जिम्मेदार GHMC और यहाँ के जिम्मेदार होंगे जिनकी जिम्मे ये काम था। बड़े बड़े बातें और वादे करने से कुछ नहीं होगा, काम करने की जरूरत है। आज अवाम के दरमियान रहकर काम करेंगे तो आपकी इज्जत होगी। सिर्फ तस्वीरें खींचकर फेसबुक पर डालने से कुछ नहीं होगा। अवाम के दरमियान रहकर अगर काम करेंगे तो अवाम आपको याद रखेगी। देखना है कि कितना जल्दी और कैसे काम को अंजाम देते हैं। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। डॉक्टर खालिद मसूद सैयद नगर पसलान सर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे दवाखाने के बावजूद जो है इतनी गंदगी फैली हुई है, ईद से आज तक 4 दिन से कोई बलिया वाले आके देखा नहीं, उसको साफ करा नहीं। यहाँ पे पूरे सिटी में वायरल फैला हुआ है, और उल्टा जो है सो यहाँ पे आके पेशेंट ठीक होने के बजाय बीमार हो जा रहे। अभी आप देखे होंगे सबको जो है मास्क लगा के बैठना पड़ रहा। मेरी गुजारिश है बलिया वालों से कि जल्द से जल्द इस मामले में जो है सो कोशिश करके साफ कराइए। लोगों की पूरी सब नाका हो रहे, हमारे आ नहीं सक रहे हम। यहाँ पे गलीज दिख रहा पूरा, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना, नाक में ठहर रही यहाँ पे। क्या बोले दवाखाना है? दवाखाना है ये, पूरी बदबू आ रही पूरी यहाँ पे। ऐसा मैं हॉस्पिटल को आया है तो पूरा देखिए पूरी गंदगी है, पूरी यहाँ बैठ नहीं सक रहे। वो तो बहुत भयंकर तरीके से बो आ रही। अब बाजू की हॉस्पिटल है, कोई भी यहाँ पे रिस्पांस नहीं है कुछ भी। इधर बल्दिया वालों का कुछ भी रिस्पांस नहीं है। जल्द से जल्द ये साफ़ सफाई कराइए, क्योंकि पहले तबीयत ख़राब हो रही, बुखार आ रहे इस वजह से, फिर ये आप बाजू की हॉस्पिटल है। मेरा नाम सुहेल खान है, मैं सैयद नगर में रहता हूँ, अलकरी मेडिकल में काम करता हूँ मैं। क्या डॉक्टर खालिद मसूद के दुकान क्लिनिक के सामने दुनिया का कचरा है, ईद के जब से पूरा गलासत ला के डाल दिए, और इतनी बुआ रही समझ में नहीं आ रहा। पेशेंट खड़ने से करे और जो है पेशेंट हमा को बातें कर रहे, भाई तुम लोगों को कचरा फेंकने कैसा देखते? हम जो है कचरा फेंकने रोके भी तो लोग बोल रहे दूसरे जने डाल रहे, कचरा कुंडी है, ये है वो है बोल के पूरा ऐसा अफवाह फैल रहे हैं। जो क्या बोलते सो दुनिया का कचरा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कचरे को साफ कराइए।